इस किस्म की बकरियां आपने बहुत कम देखी होंगी। इनके बाल चेक करें, और जो गर्मी, जब इधर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ये चले जाते हैं नीलम वैली। हर बंदे का अपना एक अंदाज़ है ना ज़िंदगी गुजारने का। ये देखें वो ग्रो जो जा रहा होता है उसके पास एक ना एक इस तरह का डॉग देखेंगे, और ये बहुत सख्त होते हैं भाई काटने के लिहाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अकील भाई, और मैं आज के इस व्लॉग में, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जो बकरियां हैं ये किन लोगों की हैं, क्या सिस्टम है भाई। ये एक बकरवाल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, या कहीं रोड पे आपने ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि बड़े बड़े बालों वाली बकरियां हैं और उनके साथ कुछ बंदे हैं घोड़ों पे, और वो कहीं जा रहे हैं। वो लोग कौन हैं, कहां पे जाते हैं, क्या सिलसिला है भाई, इनको क्या कहते हैं, वो सारी तरतीब, और पहले इनके जानवर वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे, और कोई इनका बंदा मिलेगा उससे इंटरव्यू करेंगे। ज़ुबान जो भी उसको आ रही होगी हम कोशिश करेंगे उसी में काम को निपटाएं। सबसे पहले मैं आपको इनकी बकरियां दिखाता हूं। ये ऐसी इस किस्म की बकरियां आपने बहुत कम देखी होंगी। इनके बाल चेक करें, ठीक है, और इनके सींग, और ये मतलब बहुत ही एक्टिव होती हैं एक तो, ठीक है। ये चारों साइड पर तकरीबन मेरे मौजूद हैं, वो देखें वो खा रही हैं पत्ते। उधर करीब चल के आपको मैं ज़्यादा दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की इनकी बकरियाँ होती हैं, इनके पास बकरियाँ, दुम्बे, ठीक है, और आई थिंक बेड़े वगैरह भी होती हैं, और उसके अलावा घोड़े होते हैं इनके अपने। ये इनकी बकरियाँ हैं, ठीक है, ये वाली, ये होती हैं इनके पास। इसके अलावा इनके पास वो वाले जो दुम्बे हैं वो होते हैं, और घोड़े होते हैं, ठीक हो गया। और इनके वो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे ये आज एक दिन रुकेंगे, जस्ट यहाँ पे, ज़्यादा दिन रुकेंगे भी नहीं। वो नीचे इनके टेंट हैं, मैं बात करूँगा किसी बंदे से इनका जो भी मुझे मिलेगा, और फिर डिटेल में इंशाल्लाह आपको आगे लेके चलते हैं। भाई साहब, ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, हम जो हमारी अपनी ज़ुबान है ना कश्मीरी, ठीक है, इसमें करेंगे, ये जो कश्मीरी बोलते हैं लैंग्वेज, पहाड़ी ज़ुबान में जिसको बोलते हैं, इसमें करेंगे इनका इंटरव्यू, क्योंकि वो फिर मज़ा नहीं आएगा इनसे बात करते हुए, ठीक है। तो क्या नया जी भाई जी, सुनो, ज़मीर अहमद, ज़मीर अहमद नाम है जी इनका। तो सर यो दसो कि ये जड़ा बकरियां वाला कौम दा, मतलब पैदा इस सिलसिले भी हो या बाद ही है? सिस्टम है कि साढ़ा प्यो दादा इस सिस्टम चलने रहे, मतलब विरासत ही लबा रहे, फख्र नहीं गाली ना जी, विरासत अपनी विरासत की नहीं टूटने, बड़ी फख्र नहीं गाली ये इस तरह करते हैं कि जो मतलब सर्दी का मौसम होता है ना वो गर्म इलाके में गुजारते हैं। हमारे करीब यहाँ पे गर्म इलाका है डडियाल, वहाँ पे ये 6 महीने गुजारते हैं सर्दी के, और जो गर्मी, जब इधर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ये चले जाते हैं नीलम वैली, वो उस इलाके में चले जाते हैं, और फिर अभी ये वापस जा रहे हैं क्योंकि सर्दी पड़ रही है, अभी ये वापस जा रहे हैं डडियाल की तरफ। तो अच्छा सर, रिहाइश का क्या बंदोबस्त? रिहाइश तंबू लाने हैं टेंट के, तंबू लाने पक्के इधर पर लाने, स्याले 6 महीने छप्पर बनाने का कारण। अच्छा, स्याले 6 महीने इतने कच्ची छप्पर बनाने हो गए, इतने तंबू नहीं होने। तो जिले उधर कश्मीर नीलम वैली उतने क्या करने? तंबू होने, तंबू तो उतने नीलम वैली एक जगह डेरा लाने, या उतने भी फिरने फिरने रहने? नहीं, उतने 3 महीने की वाला एक क्या जा रहे हो, तो चारा शारा खुला होना उतने? खुला जिधर जान मर्जी, फिर ट्रन मौज करने, मौज मस्ती। सही है यार, सही है। तो बकरियाँ हो गई, भेड़ा हो गई, दुम्बे हो गए, तो घोड़े, खचरा, ये यो सारा कि तुसा रखा, ठीक है। तो उसके अलावा मोबाइल शोबाइल इन्होंने बताया जी, इनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं ये, फिर अभी जिस तरह इधर आए हैं हमारे घर में लगा देंगे, चार्ज पे चार्ज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ भी चलते हैं, लेकिन अपनी विरासत नहीं छोड़ी, और इनकी ज़िंदगी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी है। अभी इनके घोड़े भी मैं आपको दिखाऊँगा, और मेरी भी ज़िंदगी का एक चैलेंज है कि इंशाल्लाह 1 मंथ इनके साथ पूरा गुजारेंगे कभी ना कभी। ये आज हमने अपने कैमरे में भी कह दिया है, तो इंशाल्लाह कोई जब मौका मिला तो हमने इनके साथ 1 महीना अपनी ज़िंदगी का गुजारना है, और वो इंशाल्लाह इस चैनल पे हम व्लॉगिंग वगैरह पूरी अपलोड करेंगे, और गुजारना देसी तरीके से, इन्हीं के तरीके से। अच्छा सर, सुनो को बीमार हुई है फिर क्या कर रहे हो? बीमार हुई है जी, डॉक्टर ने फिरने सुने सर जी, सुनो बहुत मशहूर था देसी इलाज, तो सुना बहुत मशहूर देसी इलाज था, लेकिन देसी इलाज करना कोई नहीं, डॉक्टर ने पास दौड़ने सारे, हूँ डॉक्टर ने पास दौड़ने, तो इलाज इलाज तुम भी खत्म ही खत्म ही।
अच्छा मतलब ये बच्चे शच्चे पैदा होने जेड़े ओ भी डॉक्टरी सिस्टम ही डॉक्टरी सिस्टम कार नहीं उन्ने जाओ चार एक कार भी हो सकना लेकिन कोई ज्यादा तो डॉक्टर ज्यादातर डॉक्टर वाला मतलब वो निज़ाम था ना इनका बहुत मशहूर होता था देसी इलाज हिकमत इनकी बहुत फेमस थी लेकिन वो इनसे अभी छूट रही है क्योंकि हमारी एक सिस्टर थी उनको एक इशू हो गया था डॉक्टर वहाँ पे आके मतलब हम यही कह सकते हैं कि फेल हो चुके थे तो इन लोगों ने उनकी ट्रीटमेंट की थी और वो पागल हो गई थी और वो ठीक हो गई थी इनके बताए हुए एक वो उसके टोटके के साथ आई थिंक इन्हीं की किसी फैमिली मेम्बर ने क्योंकि हर साल ही हमारे पास आके यहाँ पर स्टे करते हैं तो वो कुछ चीज़ें बताई थी देसी और हमने वो इस्तेमाल की थी तो वो ठीक हो गई थी ये चीज़ जो है ना ख़तरे की निशानी है इनकी कि ये जो है वो वाली चीज़ अपनी छोड़ रहे हैं सर उसने क्या वजह दी किए छोड़ने आखिर देसी असल पहले जो होने से साढ़े बड़े बडेरे वो हर जड़ी जानने से हर खाने से पटने से ज़्यादा तो कौड़ियाँ होनी अजकल कौड़ी चीज़ कोई नहीं खाना अच्छा मतलब बड़े इसलिए सुने वाले साहब के बाद सुने वाले साहब से वो मुछ वाले बड़ी मुछ मामा मामा दे मेन इसलिए कुंदा तो सुना ऊपर वो मावे होना की मेन मनने हो या वाले साहब कौन मतलब एक बड़ा कुंदा बड़ा अबू है बड़े अबू उन्होंने ही सारी सिस्टम उन्होंने चलना निज़ाम मतलब सब उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम चलो वाले साहब ने ते बकरियां कितनी थी सो कल पेड़ा कितनी है क्या बकरियां थी पेड़ा बकरियां मिक्स थी तकरीबन 140 माशाल्लाह 140 भेड़ बकरियां हैं इनके पास ये आपको इस हालत में ये नहीं कि कोई गरीब है भाई ये 140 को आप सिर्फ जो है ना मतलब किसी एक डिजिट के साथ आजकल नॉर्मल बकरी भी 30 से कम नहीं मिलती तो उसको ज़रब दीजिएगा और फिर देखिए कि क्या अमाउंट बनती है तो भाई ये इनकी सादगी है कि ये अपना जो देसी सिस्टम है वो अभी ये सब कुछ बेचें और जाके अपनी ऐश वाली ज़िंदगी करना शुरू कर दें तो कर सकते हैं कोई इनके लिए मुश्किल नहीं है मैं देख रहा था अभी भाई व्हाट्सअप भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब कुछ ठीक है वो कोई बात नहीं है कि इनको ये इनकी एक विरासत है और इसको ले कर चल रहे हैं इसी में इनके लिए बेहतरी है तो अभी कुछ इनके टेंट वगैरह विज़िट करेंगे उसका भी आपको दिखाएंगे सीन सारा ठीक है अच्छा अभी ये मेरे पीछे जो है इनके टेंट है और इनके अंदर इन्होंने एक रात के लिए स्टे करना होता है हर जगह पे जहाँ पे ये जाते हैं डेली तकरीबन 1-2 किलोमीटर या 3-1-2 नहीं बल्कि तकरीबन वहाँ से रिसेंट जो ये कल ट्रैवल करके आए हैं 7 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया होगा गालिबा इतना ये ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम 7-1 किलोमीटर उसके बाद ये इस तरह के टेंट लगाते हैं ये टेंट लगाते हैं और इसके अंदर इन्होंने अपनी रात स्टे करना होता है और सुबह उठेंगे ये टेंट पैक करेंगे और आगे चलते बनेंगे तो अभी इस टेंट के अंदर चलेंगे इजाज़त लेंगे औरतें होंगी उनको साइड पे करके फिर हम अंदर जाके एक टेंट आपको विज़िट करवाएंगे ये इनका टेंट है जी जहाँ पे इन्होंने रात को स्टे करना है ठीक है और यहाँ पे अंदर जाने से पहले मैं आपको हर बंदे का अपना एक अंदाज़ है ना ज़िंदगी गुजारने का ये देखें हमारे भाई काशिफ साहब होते हैं वो वॉलपेपर्स दिन भर दिखाते रहते हैं इनकी एक अपनी खूबसूरती है ये इन्होंने फ्रंट पे लगाया हुआ है एंट्री पे और यहाँ पे अंदर चलता हूँ मैं ये लकड़ियाँ हैं रात को जलाएँगे इधर और यहाँ पर ये जो है ना अपना खाना पीना करेंगे ठीक है एक आर्टिफिशियल चूल्हा इन्होंने बनाया हुआ है ये ठीक हो गया और ये रात को यहाँ पे इन्होंने सोना है ये इनका कुल सिस्टम है निज़ाम है तो ये इनकी लाइफ है अभी कुछ और भी इनके पास चीज़ें हमने देखी हैं वो भी आपको दिखाएंगे लाइक के इनके घोड़ों वगैरह की सीट्स वगैरह और ये वो सीन ये इनके पास एक कुत्ता होता है जी तकरीबन हर इनका जो आप देखेंगे ना वो ग्रो जो जा रहा होता है उसके पास एक ना एक इस तरह का डॉग देखेंगे और ये बहुत सख्त होते हैं भाई काटने के लिहाज से इसकी आंखों में आप वो देख सकते हैं कि किस तरह की दहशत है अच्छा ये इनके घोड़ों का सामान है ठीक है और ये इन्होंने घोड़े की जो सीट होती है ना काठी जिसको बोलते हैं ये इनके घोड़े की काठी है और बाकी ये इस तरह का इनका जो कल्चरल सामान है वो इस अंदाज में और इस स्टाइल में होता है अच्छा जाते जाते भाई को एक खबर आई है कि इनकी कोई बकरी गिर गई है उसी की तरफ हम भी जा रहे हैं देखते हैं कि क्या हुआ है अल्लाह खैर करे खबर ये आई है कि वो फंस के मर गई है अल्लाह ना करे कि मर गई हो बेचारे का नुकसान हो जाएगा जाते जाते हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है क्या सीन है भाई का जाते जाते नुकसान हो गया जी वो इनकी बकरी मर गई है हम नीचे जा के आपको दिखाते हैं बेचारे का वो मुनासिब नहीं लग रहा अभी वीडियो बनाना उनका नुकसान हो गया अपना ये भाई की बकरी इधर से गई है बकरी जी यहाँ से पत्ते खा रही थी इस दरख्त के अंदर यहाँ पे उसकी गर्दन फंसी है और जो है ना फंदा जिस तरह होता है ना फांसी का वो लगा और बेचारी मर गई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ देखिए कि इन भाईजान का तवक्कल है कि अभी भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है कोई इनको वो इतना बहुत ज़्यादा अल्लाह की ज़ात इसी वजह से इनको फिर नवाजती भी है
तो अल्लाह इनको ऐसा ही तवक्कल दे जी। ये इनके घोड़े हैं, ये ज़्यादा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं घोड़े, हैं खच्चर जिसको बोलती हैं वो हैं, और गधे वगैरह हैं वो कोई गधा वगैरह, और बाकी बकरियां शकरियां इनकी इधर ही हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।